मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में जुआ सट्टा के विधि स्वरूपों और प्लेटफॉर्म पर प्रभावी रोक लगाने और कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने डीजीपी अशोक जुनेजा को सख्त कार्रवाई करने को कहा है और मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में चल रहे जुआ सट्टा के अवैध कारोबारों को बंद करने के लिए कड़े नियम बनाने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि जुआ सट्टा के ऑनलाइन कारोबारों पर लगाम लगाने के लिए कड़े नियम कानून बनाए जाएंगे और इस निर्णय से प्रदेश में जुआ सट्टा के बढ़ते कारोबार पर अंकुश लगेगा और इसी के लिए जरूरी कानून प्रावधान और प्रक्रिया तय करने के लिए प्रारूप तैयार कर सीएम ने रिपोर्ट देने को कहा है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में जुआ सट्टा के लिए इसे प्रभावी तरीके से रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने डीजीपी अशोक जुनेजा को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में चल रहे जुआ सट्टे के अवैध कारोबार को बंद करने के लिए कड़े नियम बनाने के निर्देश दिए हैं। जुआ सट्टा के ऑनलाइन कारोबार पर लगाम लगाने के लिए कड़े कानून बनाए जाएंगे। इस पर निर्णय से प्रदेश में जुआ सट्टा के बढ़ते कारोबार पर अंकुश लगाएगा और इसके लिए जरूरी कानून प्रावधान और प्रक्रिया तय करने के लिए प्रारूप तैयार कर सीएम ने रिपोर्ट देने को कहा है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने डीजीपी को जुआ सट्टा के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दे दिए हैं। इससे जुआ सट्टा खेलने वाले कारोबारियों पर अब जो है अंकुश लगने जा रहा है और इसके लिए जरूरी कानून प्रावधान और प्रक्रिया तय करने के प्रारूप तैयार कर सीएम ने रिपोर्ट देने को कहा है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में जुआ सट्टा के विविध स्वरूपों और प्लेटफॉर्म पर प्रभावी रोक लगाने और कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने डीजीपी अशोक जुनेजा को सख्त कार्रवाई करने को कहा है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अखिलेश तिवारी रायपुर से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, जिस तरीके से बात कर ली जाए, सीएम भूपेश बघेल ने यहां पर डीजीपी को जुआ सट्टा के खिलाफ कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए हैं, तो क्या क्या दिशा निर्देश उनकी तरफ से दिए गए हैं? देखिए, 27 तारीख से रोड सेफ्टी सीरीज का जो आयोजन है वो निश्चित तौर पे रायपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया है। इसमें 7 मैचेस होने हैं। इसके अलावा जो वो काफी ज्यादा प्रेमित है और इसके ऊपर ध्यान नहीं लग पा रही थी, इसके ऊपर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीधा निर्देश डीजीपी को दिया है और ताकि ऑनलाइन जो सट्टे कारोबार है उसके ऊपर लगाम लगाया जा सके, क्योंकि ये सामाजिक बुराई है और सामाजिक बुराई के चलते ही इस तरीके से जो वारदात हो रहे हैं, चाहे हत्या हो, चोरी डकैती हो, चाहे लूट की वारदात है, वो मात्र जुए सट्टे की वजह से की जाती है। और नियमित रूप से ये भी देखा जा रहा है कि जो जिस लिप्त में है, चाहे अपराधी पुराने गतिविधियों की बात की जाए, चाहे नए जो अपराधी जो तत्व निकल करके सामने आ रहे हैं, वो जुआ सट्टे से कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए जुए सट्टे के ऊपर लगातार कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल काफी आज आक्रोशित भी थे और उसके अलावा डीजीपी को सख्त निर्देश भी दिए हैं। अगर कहीं ऐसी स्थिति में जुआ सट्टा अगर संचालित करते पाए जाते हैं तो क्षेत्र के थाना प्रभारी सहित डीएसपी लेवल के अधिकारी को भी सस्पेंड करने के जो निर्देश है वो जारी किए गए हैं। निश्चित तौर पे आने वाले कल में क्या किस तरीके से लगाम लगा पाती है, आखिर डीजीपी किस तरीके से सख्त होते हैं, उसके ऊपर कड़ी नजर रहेगी। और इसके अलावा अगर निर्देश का पालन नहीं किया जाता है तो निश्चित तौर पर इसके ऊपर लगाम लगाने के लिए एक अलग से मुहिम और अलग से टीम बनाने की जो तैयारी है वो निश्चित तौर पर जारी रहेगी। जी अखिलेश, जिस तरीके से आपने टीम की बात की है, क्योंकि जिस तरीके से सीएम ने यहाँ पर निर्देश दे दिए हैं उसके बाद एक टीम इसके लिए तैयार की जाएगी, तो ये टीम किस तरीके से काम करेगी, एक बार इसे लेकर भी पूरी जानकारी। देखिए, अलग अलग जो जिस के जो अंग होते हैं, चाहे क्राइम ब्रांच की बात की जाए, साइबर सेल की बात की जाए, ऐसी ही जो जुआ सट्टे से जुड़े हुए कारोबार हैं, चाहे चीट फंड से जुड़े हुए कारोबार हैं, तो एंटी करप्शन ब्यूरो को जैसे ही इस तरीके से टीम गठन करने की जो तैयारी है, जो आपराधिक तत्वों पे लगाम लगाने के लिए मुनासिब रहेगा, क्योंकि इन लोगों को अधिकार रहेगा कि जो जहां जुआ सट्टा और खासतौर से ऑनलाइन जो फ्रॉडिंग होते हैं, चाहे बात की जाए ऑनलाइन जो सट्टे की जो क्रियाकलाप है, चाहे साइबर सेल की बात किया जाए, ऐसे विंग के ही पुलिस जवान को उसमें तैनात किया जाएगा और इसमें हेड के तौर पे निश्चित तौर पे आईजी लेवल के अधिकारी को सुनिश्चित किया जाएगा ताकि वो लगाम लगाया जा सके। पिछले वर्ष की अगर बात की जाए तो लगभग 200 से 300 ऐसे जुआ सटोरी है जिसके ऊपर कार्रवाई किया गया था, लेकिन अब ऐसी स्थिति है कि ऑनलाइन जो जुआ सट्टा के जो कारोबार हैं वो फलते फूलते नजर आ रहे हैं, इसी के लिए अपराध बढ़ते जा रहे हैं। और इसके अलावा जो टीम गठित की अगर बात की जाए
तो लगभग पहले भी टीम गठित की गई थी लेकिन लगाम नहीं लगा पाई थी, लेकिन अब इस बार टीम बनने की जो तैयारी है और जो संगठन के रूप में जो तैयारी की जा रही है, निश्चित तौर पे एसआईटी और आईजी की जो टीम है और उसमें जो